कितना भी सेलेक्ट बनाने की कोशिश भी कर ले तो वो नाकामयाब हो जाएगा. तो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ आलोक, सबसे पहले जब आपने शिरोज नहीं भी शुरू किया था उससे भी पहले देयर वाज समथिंग व्हिच वाज अ पीआईएल काइंड ऑफ थिंग. सो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एक्चुअली, क्या था और क्यों था जहाँ से वो एक रेबल वाली जो चीज़ है उसको तुमने चैनलाइज करने की शुरुआत करी. इसी के साथ मैं बोलता हूँ ना कभी कभी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना जैसी दूर से देखने में लगती हैं, अगर वो वैसी दिखती रहें तो वो सुंदर लगती है. मतलब हर एक चीज़ के साथ ऐसा है कि मेरा ऐसा कोई रेबल नहीं था, मुझे ऐसा लगता है. देखिए एक बहुत सिंपल सी जर्नी है, अगर आप समझ पाए तो आसान भी है समझना, कि एक वक्त था मतलब जैसे मैं जर्नलिस्ट बना, तो उसके पहले की एक छोटी सी जर्नी ये थी कि मैंने एक छोटी सी गलती की कि मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और मेरी एक जॉब लग गई. तो जो तैयारी मैं करना चाह रहा था मतलब मैं पायलट बनने का मन था, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे ऐसे ही मन करता है पायलट होते हैं, तो वहाँ से वो जॉब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं लगा उसमें, क्योंकि एट द एंड मुझे मतलब वो आर्मी की लाइफ स्टाइल देन मतलब वो सेटिस्फैक्शन मिली, तो मैंने उसको 2 साल में छोड़ दिया. तो फिर जर्नलिज्म में मैं आया, तो जर्नलिज्म में चूँकि जब आप कोई जॉब वगैरह छोड़ के आते हैं कहीं से, मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, पापा मम्मी दोनों लोग टीचर हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो उस समय बस थोड़ी सी ये जरूरत था कि वो एक प्रेशर बहुत था, मतलब मुझे जर्नलिज्म में भी ना जल्दी से मुझे अच्छा करना था ऐसा था, क्योंकि बड़ा ख़राब से अटैक लग रहा था. लोग हर आदमी पूछता था आपने जॉब छोड़ दी, और एक्चुअली एक समय बाद जब बाहर आके स्ट्रगल करने लगे तो वैसे भी लगा. तो वो एक वजह थी कि थोड़ा सा मन में ऐसे था ना कि जैसे कुछ लोगों के साथ होता है कि मेरी लाइफ आराम से है, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ आराम से नहीं है, मुझे आराम से नहीं बैठ सकता. ये वैसी वाली स्टेज में मतलब मैं जी रहा था, और जर्नलिज्म करते हुए ही ये एसिड अटैक पे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मेरे शहर में एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ था, तो मैं ज़्यादा जानता था इस बारे में, इस घटना के बारे में भी. तो धीमे धीमे चूंकि इसी पर आर्टिकल लिखने लगे तो उससे एक एक्सपर्टीज इसको कह सकते हैं आपकी बन जाती है, कि आप इसी इशू में 10-12-15 आर्टिकल लिख देते हैं तो आपको लगता है कि आपको इस इशू के बारे में थोड़ा पता है. तो ये वजह थी कि ये इशू मेरे साथ जुड़ा था, और फिर कुछ वजह बनी कि जब ये अन्ना मूवमेंट वगैरह हो रहा था और उसमें मेरे फ्रेंड एक्टर रसीम जी जो आए थे भाई, तो उनके उन पर उन्होंने कार्टून बनाए थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया, और वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो उनकी वजह से मैं एक्टिविज्म में आया. इस बात का भी जिक्र हुआ था जब उन्होंने कहा कि मैंने तो कार्टूनिस्ट तो बड़े सुकून से आराम से कार्टून बनाता है, ये तो गवर्नमेंट है जो ऑफेंड हो जाती है, और उन्होंने मुझे बंद कर दिया. एक्जेक्टली, मतलब कई कभी कभी छोटी वजह बड़ी वजह. असीम भाई पे जो वो बचपन के दोस्त हैं, मैं भी जर्नलिस्ट था, तो उस और उसमें कैंपेन का माहौल था, फिर वो वजह थी कि मतलब मैं एक्टिविज्म में आया, उनकी हेल्प करने लगा, और उससे एक एक्टिविज्म का माहौल देखा, जंतर मंतर पर रुकना, तमाम तरह के प्रोग्राम्स में आना, बात करना, तो वो एक पता नहीं कि एक आपको एक वजह दे देता है. और चूंकि वो आपके पीछे फायर लगी हुई है ना कि आप नॉर्मल नहीं बैठ सकते हैं, आपको बहुत कुछ प्रूव करना है, उसमें एक मम्मी का सपोर्ट है, पापा बहुत नाराज हैं, पापा आज तक भी ठीक से बात नहीं करते, उन्हें आज भी लगता है कि आप सेटल नहीं हो पाए, मतलब कास्ट की नौकरी कर लिया होता तो मैं सेटल हो जाता. तो वो एक जंग थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते थे, और फिर एसिड अटैक के बारे में काम कर रहे थे हम लोग, ये जानते थे, तो उसी समय निर्भया वाला जो ये केस हुआ उसके बाद हम लोग को मतलब हम सबके दिल में वो बातें ऐसे लग गई कि मतलब कैसे, तो हम लोग को लगा थे अगर हम क्यों ना हम लोग एसिड अटैक करके एक डिटेल में बातचीत करें. तो वो एक वजह बनी थी कि, और उसमें भी ज़्यादा वजह सर ये थी कि मेरे पास कोई दूसरा रोजगार नहीं था. मैं कई बार कहता हूँ क्योंकि एक 2-3 साल के गैप हो गया था मतलब काम में, तो आपको ठीक से कोई रोजगार नहीं मिलता है, बोला अच्छे से आपको क्या बाहर नौकरी नहीं दे रहा है, कुछ बन नहीं रहा था मतलब. तो ये लगा कि चलो इसी बीच में ना एक ऑनलाइन कैंपेन करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है, मैं लिख सकता हूँ, और कई फ्रेंड सर्कल के भी लोग थे जो लिख सकते थे, तो उस समय ये लगा कि कुछ एक ऑनलाइन कैंपेन करते हैं, बस वो वजह बनी. तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब कुछ बहुत छोड़ के आ जाने जैसा हुआ, और वो जर्नी फिर ऐसा स्टार्ट हुई क्योंकि रिकग्निशन से बहुत सारे मिले, ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि मतलब एक तरफ से मतलब जैसे ही काम किया वैसे कुछ बेहतर हुआ, वैसे ही कुछ रिजल्ट आए, और देन रिकग्निशन मिलता है तो आपको हमेशा लगता है कि आपको ये काम करते रहना चाहिए. तो फिर वो एक वजह बनी कि हम लोग ये मतलब ये काम एक उतार चढ़ाव के बाद भी ये काम चलता रहता है. तो ये तो मैंने मान लिया कि चलो एक्टिविज्म मैं कह सकती हूँ कि तुमने मेरे दोस्त भी थे और कुछ माहौल ऐसा बन गया, सर्कमस्टेंशियल एक्टिविस्ट आप बन गए, लेकिन शिरोज जो एनजीओ है स्पेशली शिरोज कैफे, ये जो आइडिया है ये अपने आप में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया विच हैज़ बीन प्रेज्ड बाय वर्ल्ड अक्रॉस, यू नो जगह जगह से लोग आते हैं और उस आइडिया को बहुत प्रेज करते हैं.
क्योंकि जनरली हमारे वहाँ अगर इस किस्म का कोई मैटर है जिसमें कि द वुमेन इज द विक्टिम एंड इफ शी सर्वाइव्स, उसके लिए दुनिया बड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी, वहाँ पर शीरोज कैफे इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आई पर्सनली विजिटेड आपका लखनऊ वाला तो कैफे मैंने विजिट किया है. हाउ दिस आइडिया, ये आइडिया तुम्हारे जहन में कैसे आया था कि ये कुछ हम इस किस्म से करना शुरू करें? इसका भी कोई वैसे ही जवाब है तो पहले कारण क्या है कि जैसे हम लोगों ने जब एनजीओ शुरू किया मतलब जब ये एक नेटवर्क शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज था, जैसे कि अभी एक मान जो यहाँ थी अभी नहीं है सर चली गई, उन्होंने बताया था कि मतलब हर एक चीज़ में मतलब आप फिलेंथ्रोपी से मतलब जिंदगी को नहीं चला सकते हैं आप, मतलब वहाँ भी एक वजह ये थी कि हम लोग बहुत यंग थे उस समय, मेरी एज मुझे याद है 25 या 26, तो उस एज में हमें ये नहीं पता है किसके पास जाना है, किससे हम हेल्प मांग सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं पता है ठीक से. तो ये तो वैसा है कि जो सोशल मीडिया वगैरह था तो लोगों ने खुद से कुछ हेल्प की, तो एक समय पर लगा कि ये कैसे सस्टेन होगा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है. एंड देन वो वाला पूरा तरीका कि आप प्रेजेंटेशन बनाएं चाहे वो आज तक हम लोग सीख रहे हैं, अभी भी मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो मतलब हम ये ठीक से सीख नहीं पाए हैं. तो उस प्रोसेस में ये आसान लगा कि एक कैफे डाला जाए, मतलब एक रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ डाला जाए जो कि दो तरह से काम करे. मतलब एक बेसिक आइडिया क्या आया था कि सारे लोग और भी यंग थे, 20-21 साल वाले, 19 साल वाले, 17 साल वाले भी, तो उन्हें लगता था ऑफिस वगैरह खोल के मैं कैसे बैठेंगे, मतलब बहुत बोरिंग आइडिया है, तो बेहतर है कि ऑफिस ना खोले, ऑफिस ऐसा हो कि ऑफिस भी हो और वहाँ पे हम कुछ काम भी कर सके, तो थोड़ा सा ओपन ऑफिस हो जाएगा. खैर ये बहुत बेसिक आइडिया था, ऐसा बहुत विजनरी आइडिया नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर लगा रहा था कि कहीं ऑफिस खोलने से. तो उन लोगों ने एक सेटअप सुन के, क्योंकि हम लोग की जो टीम में जो कुछ लोग थे वो लोग आगरा से थे, तो उन्हीं को उन्हीं के लिए प्लान किया कि एक छोटा सा कैफे डालते हैं, और कैफे थोड़ा हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि यंगस्टर्स आएंगे बात करेंगे थोड़ा आसान भी है, तो हम लोगों ने इसलिए कैफे स्टार्ट किया और वहाँ पर 4 लड़कियों ने काम करना शुरू किया. और अगेन वही बताएंगे कि मतलब बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला लोगों को, लगा एक तरफ तो पूरी दुनिया ऐसी भी है कि जो लड़कियों को जॉब नहीं दे रही है उन्हें जज कर रही है, बहुत अभी भी वही सिचुएशन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जब कुछ अलग करने लग जाते हो तो पता नहीं उसी दुनिया में कैसे आपका काम अच्छा लगता है. ऐसा नहीं है कि शीरोज कैफे बहुत अच्छा खाना सर्व करता है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है हमारा या बहुत ही कुछ नया अनोखा कर रहे हैं, चूँकि वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को चला रहे थे और वो पहला प्रयास वाला ऐसा कोई कोशिश की नहीं गई थी, तो शायद वो ज़्यादा वजह बनी कि उसको अगेन रिकॉग्निशन मिला. रिकॉग्निशन मिलने के बाद ही पॉसिबल हो पाया उसको हमने बेहतर किया और लोगों को एम्प्लॉय किया, और धीरे धीरे मतलब एक समय आया कि 7-8 लोगों को जॉब मिली उसी पूरे प्रोसेस में, चूँकि आगरा में ऐसा कोई. और मैंने ये भी रियलाइज़ किया जब मैं आगरा उस समय पहली बार गया था जब कैफे स्टार्ट किया, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि आगरा तो एक टूरिस्ट हब है, दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन आगरा में लोकल में एक भी कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं होती है, शायद यही वजह कि जो टूरिस्ट है वो भी इंटरेस्ट ले रहे थे. तो एक तरीके से वो एक, चूँकि अगर हमने एक ऑफिस खोल लिया होता या कुछ और कर लिया होता शायद वो वही हम सीमित हो गए होते. बहुत सारे नए लोग आते गए, उन्हें आइडिया अच्छा लगा, फिर मुझे भी यही रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैं सपोज कि अभी सस्टेनेबल सिटीज पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है लेकिन मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा. अब चूंकि आज मैं आया, मैंने सुना, तो मेरा एक इंटरेस्ट इधर भी मतलब चूंकि था तो मुझे पता है कि क्या कर सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, तो वही वजह बनी कि सर शीरोज कैफे को रिकॉग्निशन मिला, और फिर देन शीरोज कैफे वन बाई वन दूसरा कैफे स्टार्ट हुआ. वहाँ पे CM साहब के पर विजिट भी खुद से ही हो गए कि उन्होंने सुना था इस कैफे के बारे में, तो फिर उन्होंने लखनऊ में एक स्पेस दिया, फिर हम लोगों ने मतलब अब जैसे अभी देखा जाए तो अभी 30 लड़कियां उसमें जॉब करती हैं. लेकिन ये जर्नी मतलब कहीं से भी ऐसी नहीं है जिसमें किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सके, ये सच बात है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे मैनेजमेंट वाले लोग हैं, पर शायद बहुत सही वक्त पे सही बातें उठाने की वजह से ऐसा होता है. जैसे कि ये कलामंथन है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि यार मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना, कोई दूसरे लोग कर ही ना रहे हो, तो आपके प्लेटफॉर्म को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे बस. तो कई बार आपका बहुत बेस्ट होना जरूरी नहीं होता, तो आपको कुछ करते रहना चाहिए. तो शीरोज के साथ तो मेरे ख्याल से हम्बलनेस एट द पीक कहते हैं, क्योंकि नहीं है सर हम्बलनेस नहीं है. एक कैफे मैंने पर्सनली विजिट किया है लखनऊ का, लखनऊ के और भी लोग हैं यहाँ पे. शीरोज कैफे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. मैं इसका क्रेडिट थोड़ा सा दूंगी कि गवर्नमेंट ने बहुत खूबसूरत सी जगह भी हमें लोन आउट की है, बट बहुत खूबसूरत जगह है, बट उसको मैनेज करने का तरीका, इफ इवन इफ ही सेज ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, दोज गर्ल्स आर रियली रियली वेरी गुड मैनेजर. एंड आगरा का कैफे जो है अभी अभी रेनोवेट हुआ है, और आलोक को यहाँ बुलाने का एक रीज़न ये भी था कि लखनऊ और आगरा दोनों ही जगह पर कलामंथन विल बी हैविंग इवेंट
So we will be soon having events at Agra as well as Lucknow in Sheroes Cafe only. So शीरोज के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है।
ज्यादा बेहतर ऐसे करना। कम लिखते हैं, डेप्थ लिखते हैं, जो जो तुम्हें पसंद आया। ये कविता ही काफी ताकत लिखी गई 2013 में, कुछ कविताएं लिखी थी उसके इसके बाद एक लंबे गैप के बाद कोई कविता ही नहीं लिखी गई। फिर 2016-17 में एक आध कविता लिखी गई। तो मतलब अभी तो जैसे मुझे कोई लिख देता है कि जर्नलिस्ट थे, तो संकोच होता है, कोई अगर साथ में जर्नलिस्ट बैठा हो तो मुझसे पूछ लेगा अब कहाँ जर्नलिस्ट है, मैं क्या बताऊंगा। मैं 2-3 साल के बारे में कविता के बारे में आप जैसे बता रही है ना, उसे पूछ लेगा कितनी कविताएं लिखी लाइफ में, 50 कविताएं भी नहीं लिखी। नहीं, 50 ही है, वही है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। एक चीज और, जब तक तुम्हारा वो खुले, एक तुमने नया शुरू किया है चाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो समझ में आता है, व्हाट इज चाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए ये शुरू किया है ये भी वही है, मतलब मेरी चीजें आज ऐसी है ना वो ठीक से बता नहीं सकते। चाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक रीजन मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आलोक की एक बड़ी ही प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी नन्ही सी बिटिया है पीहू, एंड आलोक इज वन ऑफ दोज हैंड्स ऑन फादर्स जिनको कि देख करके आपको लगेगा कि मतलब इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है फादर्स की। तो पीहू के इर्द गिर्द घूमते हैं आलोक, और इनका इनकी जो आपसे एक साल पहले तक इनका जो पूरा रूटीन हुआ करता था, इट यूज टू बी इन एंड अराउंड पीहू। और जब मैं इनसे पहली बार मिली तो मैंने पूछा कि पीयू कितने साल की है, इसे 3 ईयर्स, तो मैंने कहा अब तो स्कूल जाएगी। तो इनका सबसे पहला सवाल था कि अगर आप भी, बिकॉज बीइंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, इन्होंने सीधे मुझसे कहा कि अगर आप भी ये बोलेंगी कि 3 साल में मैं इसको स्कूल भेज दूँ तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं इसे स्कूल नहीं भेजना चाहता, मैं इसे होम स्कूलिंग कराना चाहता हूँ। एंड उस वक्त वो हमारी पहला इंटरेक्शन था, एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और मैंने देखा कि इन्होंने छोटी छोटी सी वीडियोस ये डालते थे। तो इनकी एक वीडियो जो मुझे बहुत इफेक्ट करके गई थी, आई डोंट नो ही आल्सो डजंट नो, ये एक नदी किनारे गए थे और वहाँ पर पीहू रेत के बॉल्स बना रही थी, शी वॉज प्लेइंग विद सैंड, और उसे 3D शेप समझ में आ रहा था, शी वॉज सेइंग दिस इज अ स्फीयर रादर देन अ सर्कल। सो दिस वॉज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड ऑफ 3-3.5 ईयर्स ओल्ड कि वो नदी के किनारे रेत पे बॉल्स बना रही है। शी वॉज लिटरली प्लेइंग, वो सिर्फ खेल रही थी और वो बता पा रही थी कि इसे सर्कल, क्योंकि जनरली हम बच्चों को राउंड राउंड सर्कल सिखाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने उसे वो स्फीयर बताती थी। और उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहता हूँ, एंड सून आई बी अनाउंसिंग, और उसके बाद फिर इन्होंने चाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया था, जिस पर हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, बट द होल आइडिया इज टू कीप द चिल्ड्रन फ्री एंड तो मुझे लगा कि मतलब वाकई ये काफी चैलेंजिंग चीज है मतलब। तो उसके बाद अपने कैफे में भी जो लोग काम करते हैं, हम लोगों ने कोशिश, हम लोगों ने 9 महीने की प्रेगनेंसी लीव अनाउंस की कि मतलब पेड लीव 9 महीने की होनी चाहिए। तो अपने कैफे में तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसे, और अभी तक 2 लोग इसको मतलब इसके बेनिफिशियरीज भी बने। तो मतलब ऐसे ही बच्चों को, जब बच्चों के साथ रहे, मतलब पहले ऐसा नहीं था, मैं बहुत बच्चों से फ्रेंडली था, जानता था, लेकिन मतलब ऐसे बहुत साथ रहना हुआ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज हुआ कि मतलब बच्चे जैसे पढ़ रहे थे, 3 साल में बच्चों को स्कूल भेज देना और ये सारी चीज़ें मतलब, और एट द एंड मतलब बहुत सारी, जैसे बच्चों के साथ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कहीं झूले ही नहीं है, मतलब सारे झूले टूटे हुए हैं। आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं पार्क नहीं है उनके लिए ठीक ठाक, अधिकतर उनके झूले मतलब खराब हैं, मतलब या तो लगे ही नहीं है, मतलब किसी पार्क में आपको कहीं मॉल लेके जाना है तो 200-400-500 रुपए के झूले आप उनको झुलवाए। तो मैं सोचता हूँ जो गरीब हैं, जिनकी पूरे दिन की इनकम 300 रुपए नहीं है, वो लोग कैसे अपने बच्चों को घुमाते होंगे, क्या करते होंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस से हम लोगों ने सोचा कि मतलब कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अभी तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे, हो सकता है अनाउंस करने के बाद बंद भी हो जाए नॉन प्रॉफिट, क्योंकि तमाम और चैलेंजेस भी चल रहे हैं, लेकिन कोशिश ये की बच्चों के लिए मतलब मैं फ्यूचर में अगर कुछ पॉसिबल हो पाए तो बच्चों के साथ कुछ काम करना चाहता हूँ मतलब ऐसे। और देन ऐसा एक माहौल बनाए कि जैसे जो वायलेंस में भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई तरीका नहीं, जैसे हम लोगों ने कैंपेन का नाम रखा है स्टॉप एसिड अटैक्स, तो मैं सोचता हूँ मतलब मैं वही अपनी वही अभी मैं 25 वाली एज को टीन एज में गिनता हूँ, वो टीन एज वाली सोच आपकी स्टॉप एसिड अटैक्स को, तो इसका क्या मतलब है पता है, आप एसिड अटैक रोकने जा रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे रोक देंगे एसिड अटैक, आपको लगता है रोक सकते हैं एसिड अटैक केवल, मतलब वायलेंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है और हम एसिड अटैक रोक देंगे, ऐसा कौन सा मैं दवा निकाल के रहा है, रामदेव की तरह कोई मतलब सोल्यूशन थोड़ी ना दे रहे हैं।
समझिए एसिड अटैक नहीं रोक सकते, हमें वायलेंस पे काम करना पड़ेगा ना। स्टॉप एसिड अटैक्स तो गलत नाम है एक तरीके से, पर तब रख दिया था क्योंकि ज्यादा फोकस काम करना था। तो अभी क्या है कि बच्चों के साथ काम करें हम लोग, बेसिक वायलेंस करते हैं। बच्चों को क्या होता है कि मैंने अधिकतर लोगों को देखा जब बच्चा होने के बाद ही अब ज्यादा ऑब्जर्व किया, माँ मतलब हम लोग के नानू वगैरह तो और ज्यादा ऐसा है कि मतलब जैसे नहीं सो रहे तो दो तमाचे लगाए चुपचाप बच्चे सो जाते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा उस बैकग्राउंड से वो देख सकता है। अभी भी ऐसे ही है, बच्चों को अगर मार नहीं रहे तो बहुत दबाव डाल के डरा के कुछ भी करके भूत का बता के सुला देते हैं, लेकिन क्योंकि शुरुआती स्टेज में बच्चे 3 बजे तक नहीं सोते रात में, तो उनको जगने देना चाहिए, लेकिन अगर उनको मार तो ये सब बेसिक वायलेंस मतलब रोज रोज में चिल्लाना ऐसा करना, तो ये चीजें ऑब्जर्व करने में आसान लगता है। तो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं देखते हैं कैसे होगा, ये करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बेसिक चीज है कि मतलब जो चीजें ऑब्जर्व करते जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लार्जर स्केल पे, और दूसरा चूंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि वापस की जॉब में ना जाना पड़ जाए, तो ऐसे भी मैं कोशिशें कर रहा हूँ मतलब एक सस्टेनेबल तरीका कि बच्चों को भी पढ़ा सके, जैसे अगर इस पे हम ज्यादा बात कर सकें किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को मतलब ऐसे मीनिंगफुल रखें कहीं नौकरी ना करनी पड़े, ये सारे काम मुझे अच्छे लग रहे हैं। अभी वायलेंस की बात करना, इसके बाद एसिड अटैक पे जैसे करने के बाद मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बात करें तो बहुत बेसिक बातें पता चलेगी, तो चाइल्डलाइन सेंचुरी का ये भी बहुत ही अर्ली स्टेज में है, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को मैं नोट करता जा रहा हूँ और उनसे काफी कुछ सीखने को मिल भी रहा है। आपको अभी जब फाइनल फॉर्म में आएगा तो सीखा मैं मतलब अपनी लर्निंग्स आपको बताऊंगा अभी की, मतलब मुझे लगता है अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है। That is such a thing, Alok. और अगर ये नेट खुला हो तो मेरे में एक दो कविताएं खुल पाएंगी कैसे आपके में? हाँ, मेरे पास छोटी सी आपकी कविता है, अगर आप ये कविता तो मुझे दिख गई तो मैं वो पढ़ा, तो आप प्लीज उसको पढ़ें। हाँ, उसको पढ़ें आप प्लीज। जैसे कि मैंने बताया था कि ये तब की कविता है जब मैं मतलब थोड़ा समय और उस समय की जैसे कविता है कि कुछ कविताएं बन गई हैं बातों बातों में, कुछ कविताएं बन गई हैं बातों बातों में, तुमसे मिलना तो कुछ ऐसा हुआ, तुमसे कुछ मिलना तो कुछ ऐसा हुआ, कई नजमों की माँ बन गई तुम। कई कुछ कविताएं बन गई हैं बातों बातों में, तुमसे मिलना तो कुछ ऐसा हुआ, कई नजमों की माँ बन गई तुम। तुमसे मुगालता किया था कभी, बातें फेसबुक के चैट बॉक्स पे सुरक्षित हैं, नए जमाने की चीजें हैं, सच भी हैं ऐसे सुरक्षित भी हैं। तुमसे मुगालता किया था कभी, बातें फेसबुक के चैट बॉक्स में सुरक्षित हैं, सोचता हूँ तहा कर रख दो इन्हें, सोचता हूँ तहा कर रख दो इन्हें, कविता दर कविता सुखाने डाल दूं अटारी पर, सोचता हूँ तहा कर रख दो इन्हें, कविता दर कविता सुखाने डाल दूं अटारी पर, इनकी जान सलामत रहे तो, इनकी जान सलामत रहे तो घर के बुजुर्ग बनाकर रख लो इन्हें, इन कविताओं को आसरा ही तो चाहिए, हमसे अच्छा आशियाना क्या होगा। So in this Manthan Literature Festival, we take the pride of having Alok Dixit, the poet, with us. मैं कोई मौका नहीं छोड़ रही हूँ लेने का। आप यहाँ पे नेट डाउन है, मेरा भी नहीं खुल रहा है, that's the reason. ठीक है, एक और कविता है जो बाद के समय में बनी, मतलब ये रिसेंट है, इसके बाद जैसे एक आध कविता लिख जाती है तो आपको लगता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। ऐसा एक दौर आता है ना, 3-4 साल का गया गया, मैं तो लिखता नहीं हूँ, लिखने की वजह नहीं है, पहले साल ज्यादा फ्री रहते थे, पर लिखने के बाद कभी भी अगर एक कविता ठीक से लिख जाती है ना तो आपको लगता है कि अभी आपके पास बाकी है, तो वो ये वो वाली चीज है। तो मैं ऐसे सुना रहा हूँ, ये बाद में लिखी है, तो इससे थोड़ी सी पर्सनैलिटी का अपमान आ रहा होगा कि हम लोग कैसे मैं कैसे जीता हूँ। तो ऐसे बिस्तर, मेरे बिस्तर को मैंने देखा, उस पर कविता लिखी थी, मतलब ये देख के ही वाकई लिखी थी, उसी बिस्तर की फोटो भी लगा रखी है मैंने। बिस्तर पर बिखरे हुए सामान के साथ, बिस्तर पर बिखरे हुए सामान के साथ सिकुड़ कर सोते हुए ऐसा। अच्छा, दो तीन तरह के लोग होते हैं, मतलब एटलीस्ट दो तरह के लोग तो होते हैं, एक बिस्तर साफ करके सोते हैं, एक बिस्तर मन में सामान रखा रहता है, लेकिन मेरा थोड़ा ऐसा है कि मेरे को सामान रखा रहता है तो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा बिस्तर ज्यादा साफ होता है ना तो लगता है कि मतलब नींद कैसा आएगी इसमें, तो सब बता रहा है ऐसा होता है। तो मैं उस टाइप का हूँ, इससे आप और थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा जो लोग इससे, कि बिस्तर पर बिखरे हुए सामान के साथ सिकुड़ कर सोते हुए अक्सर किसी के साथ होने का एक भरोसा सा दिलाता है एहसास, किसी के साथ होने का एक भरोसा सा दिलाता है एहसास, मैंने बचपन से लेकर अब तक सजो कर रखा है। बिस्तर पर बिखरे हुए सामान के साथ सिकुड़ कर सोते हुए अक्सर किसी के साथ होने का एक भरोसा सा दिलाता है एहसास,
मैंने बचपन से अब तक सजो कर रखा है। इसके लालच में अक्सर लैपटॉप पर पैर रखकर सोता हूँ, मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है, इसके लालच में अक्सर लैपटॉप पर पैर रखकर सोता हूँ और लेटा रहता हूँ जैकेट के हाथों पर कभी पैरों तले आ जाती हैं कविताएं, जैसे फिर याद आता हो कि चलो सूरज बनाए, चलो लैपटॉप पर डांस करती हुई उंगलियों से बरसाएं पसीजी और तेजाबी कविताएं, जिससे अपनी ही सारी फसलें खत्म हों और कुछ साल बाद वहाँ घना सा कोई जंगल छा जाए, ताकि खाने में अपनी आत्मा ना खाने लग जाए आदमी, कागजों की खेती ना होने लगे कविता के वनों को काट कर। मैंने अकेलेपन के एहसास को भरे रखा है अपने उलझे हुए बिस्तर में, और कभी जब ये दूर होता है नींद नहीं आती, जाने क्यों पुरानी दोस्ती हो गई है शायद इससे, वरना ऐसा भी क्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और एक्वाफिना की खाली बोतल साथ साथ पड़े सो रहे हैं मेरे कंबल के इर्द गिर्द, और रात में चुपके से अक्सर खुश आते हैं, इन्हें भी ठंड लगती है मेरी ही तरह, फिर तो दिल भी दुखता होगा, और फिर मैं इन्हें आने देता हूँ कि नींद आए इन्हें भी। सच मानिए तो मेरे साथ लेडी गोल्ड फ्लैग का एक भी कस नहीं लेते ये सब, वैसी ही आधी जली सिगरेट मिलती है इस डिबिया में। इन चीज़ों को मेरी आदत हो गई है, इनका नाता सा है एक अकेलेपन के साथ, इनके ना होने से महसूस होता है यार, इनका नाता सा है अकेलेपन के साथ, इनके ना होने पर महसूस होता है यार, अकेलापन खुद में कुछ नहीं है। मेरे बिस्तर पर बिखरी चीजें मेरी वो आखिरी जरूरतें हैं जिनके ना होने पर जान पाया हूँ कि क्या होता है अकेला होना। कुछ बिखरी सी चीजें शायद मेरे साथ रहेंगी मेरी आखिरी सांस तक। खैर मौत का क्या है, कहाँ मारेगी, बिस्तर भी नसीब ना हो, और तब भी मुझे यकीन है कि छोटी सी जमीन पर कहीं कुछ चीजें तिधर बिधर होंगी जो होंगी, साथ ही एक नितांत एकांत की, मेरे बिस्तर को खोजता ईयरफोन, माचिस की डिबिया, सरकारी पत्र, ऐसा दिन भर साथ चलने के बावजूद मेरा कैरी बैग छोटा वाला, जो कि पता नहीं क्यों ऐसा थका मांदा चेन खोल कर सो रहा है, जैसे कि बस मैं ही हूँ सबसे नाकारा, मोबाइल भी स्विच ऑफ पर बोल कर सो रहा है, उसे कल की ड्यूटी की कोई फिक्र नहीं है। सुबह होने को आई है, बिस्तर पर करवटे बदलता मैं, अब ये सोच रहा हूँ कि आखिर इन सबको नींद कैसे आ जाती है इसी बिस्तर पर। नींद आती है कल की भूल कर सो जाने पर आ जाती है, जैसे फूल आते हैं धीरे धीरे सुंदर सुंदर, वैसे ही आती है नींद, फूल बेफिक्र होते हैं, नींद भी काफी रहे इसे कैद क्यों करना, आएगी यही कहीं सो रही होगी नींद में, मेरे सब दोस्त सो रहे हैं, मेरा चांद भी अब तक सोने जा चुका होगा, सूरज की तैयारी में कुछ भागम दौड़ी होगी, ड्यूटी बदलेगी सब, देख रहा हूँ कंबल में बालों वाला कंघा घुसाया है, जैसे किसी ट्रेन में बैठे बैठे सोते हैं मुसीबत वाले रागी। अभी ध्यान दिया, ट्रेन में जिनके रिजर्वेशन नहीं होता है वो थोड़ा सा चुपचाप ऐसे करके बैठते हैं, तो कंघा भी वैसे बैठा हुआ है, मतलब उसकी सीट रिजर्व नहीं है, चुपचाप किसी तरह बैठा हुआ है, तो देख रहा हूँ कि कंबल में बालों वाला कंघा घुसाया है, जैसे किसी ट्रेन में बैठे बैठे सोते हैं मुसीबत वाले रागीर, और मैं सो रहा हूँ तने हुए आदमी की माफी, जिसकी सीट रिजर्व है, जिस कागज में वो सीट नंबर है मैंने उसे भी सुला रखा है साथ में, अपने साथ में, इसलिए खिसक कर सबको समेटता हुआ अब सोने की तैयारी करता हूँ। हर रोज जब घर पर होता हूँ मैं अपने बिखरे हुए दोस्तों के साथ सोता हूँ।